Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. Welcome back to the Aman ke vlogs. तो कैसे आप सब हो? पर तो आप सब बेहतर अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। भाई ऑलमोस्ट चार महीने बाद हम ये अपना डायलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हम चार महीने से एक्टिव नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी ईच एंड एवरी वन जिसने पूछा कि भैया चार महीने से कहाँ हो, कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा, यूट्यूब छोड़ दिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं छोड़ा है, कहीं नहीं गए हैं। वो तो ना यार उस टाइम का रेस था, क्यों कुछ चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, और आगे इस व्लॉग में आपको पता भी चलेगा कि क्या है वो चीज़ जिसके लिए हम एक्सेसिव मेहनत कर रहे हैं अब। क्योंकि यार जब आप मेहनत करते हो तो शायद से वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू, तो वो आपको पता चलेगा आगे इस व्लॉग में। तो पहले तो यहाँ से निकल जाएं। तो अभी हूँ मैं रामनगर, सुबह आया था एक राइड पे, घर से निकला तो कुछ कोई मूड नहीं था मुझे व्लॉग करने का, क्योंकि यार चार महीने में ना बहुत आदत छूट गई है। बट यार वापस से आदत लानी है, क्योंकि अच्छी आदत है यार, आप लोगों को बहुत प्यार मिलता है और मतलब एक मज़ा आता है। अब मैंने कहा कुछ सरप्राइज़ आ रहा है, कुछ बड़ा सरप्राइज़, तो भाई कम बैक करेंगे एक बड़े सरप्राइज़ के साथ। तो सब गेस करो यार क्या सरप्राइज़ हो सकता है। होप करता हूँ जो कैमरे का एंगल है वो सही आ रहा होगा और जो माइक है वो भी आपको बढ़िया आवाज़ दे रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट नहीं करा है बहुत टाइम से। आज भी कोई ऐसा प्लान नहीं था, मैं सडनली मन हुआ राइड करने का, तो मैंने सोचा चलते हैं और व्लॉग भी बना लेंगे यार, क्योंकि अब बहुत भाई लोग पूछते हैं यार कि भैया क्या हो गया, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि यार मैं व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। बहुत सारे चार महीने में ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिसमें मैं गया हूँ, वहाँ पर व्लॉगिंग करी है बट पोस्ट करने का मन नहीं हुआ। तो देखेंगे कभी आगे पोस्ट कर देंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन में। ये है छोटी सी दुकान, यहाँ पे चाय वाय पीने आए हैं और ये हमारे से कनेक्ट होता है हाईवे, तो जाते हैं नैनीताल। और भाई चार महीने बाद वापस आके यार ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं यार कहाँ गायब से हो गए थे हम यूट्यूब से, बट कोई नहीं, अब वापस आ गए हैं, बैठते हैं और फिर आपको बताते हैं यार क्या सीन था। तो सीन कुछ ऐसा था यार, चार महीने पहले मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, उसके बाद मैं शॉर्ट्स डाल रहा था, मैंने कहा अब व्लॉग डालूंगा। वो गैप इतना लंबा होता गया ना यार कि फिर मन ही नहीं हुआ कि अब पोस्ट करूं। मतलब कोई होता है ना एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, बट कोई नहीं यार अब मोटिवेशन आ रहा है। तो यार मैं इस व्लॉग में जो सबसे बड़ा सरप्राइज रिवील करना चाहता हूँ ये है कि फाइनली आई हैव बुक्ड अ न्यू बाइक फॉर माई सेल्फ। हाँ जी, थैंक यू। पहले ही जिसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, तो भाई अपनी न्यू बाइक आ रही है, अपना चीता भी रहेगा, अपना चीता कहीं नहीं जा रहा है, और नई बाइक भी जल्दी ही आ रही है। होपफुली इस व्लॉग के नेक्स्ट व्लॉग या उससे नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक है, क्या कहाँ से हम डिलीवरी ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन आ रहा है। तो भाई बस मज़े ही आने वाले हैं। तो बाकी अभी चाय वाय पीते हैं और फिर बात करते हैं आप। अपना चीता देख रहे हो यार, कितना ही प्यारा लग रहा है यार यहाँ पे खड़ा हुआ। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकर्स लगवाए थे, ये वाले जो स्टिकर्स थे ये लगवाए थे, कुछ इशू हो गया था, व्लॉग नहीं बना पाया। और काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि मैंने सीट काउल भी लगवा लिया है, तो काउल कुछ ऐसा लग रहा है। और इस पर थ्रॉटल देहरादून का स्टिकर भी है, क्योंकि अपना एक भाई वहाँ काम करता है। और देख रहे हो कितनी ही प्यारी लग रही है यार, मतलब यार इसे चला के तो मज़ा ही आ जाता है यार। बट इसके साथ इसका एक पार्टनर भी जल्दी ही आने वाला है भाई, फिर मज़ा आ जाएगा। A few moments later. So guys, finally back on the bike. तो अभी हम चल रहे हैं आगे काला डोंगी की तरफ, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए यार, मतलब कुछ अच्छे से राइड नहीं कर रही। और तो मैं पिछले हफ्ते एक मानीला की राइड करके आया हूँ अपने दो भाइयों के साथ, गया था यार मैं, बट यार पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं हुआ।
जब तक मुझे ये गुड न्यूज़ नहीं मिल गई कि मेरी बाइक फाइनली आने वाली है, तो ऑलमोस्ट यार ऑलमोस्ट हो गया है एक महीना। आई हैव बुक्ड माय बाइक और जल्दी हमारी बाइक की डिलीवरी होने वाली है, तो मज़ा आएगा। और भाई मतलब मैं तो सच्ची में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बाइक के लिए, और होकर तो आप लोग भी एक्साइटेड हो गए। अब इस चैनल पे आपको मेरे चीते के अलावा और भी एक ब्यूटी देखने को मिलेगी, तो भाई मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो भाई इसी बात पे फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, अगर चैनल पे नए हो, इसी वीडियो से हमें देखना शुरू करा है तो आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हो, जो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है इसे दबा के, और इसे दबाने के बाद अगर आप वो घंटा बजा देंगे ना, तो और मज़ा ही आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब लाइव हो जाएगी। बाकी हम YouTube से पहले Instagram पे आपको अपडेट दे देते हैं नई बाइक के बारे में, उसकी थोड़ी ग्लिम्स कौन सी बाइक है, क्योंकि व्लॉग पक्का है, मुझे यकीन है अपने ऊपर कि डिलीवरी के लगभग दो या तीन दिन बाद ही आएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी डालने की, बट मुझे पता है 2 या 3 दिन बाद ही आएगा, क्योंकि आई एम वेरी आलसी। बट आप लोग अगर प्रयास बनाए रखो तो आलसपन दूर हो सकता है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे आ रहा होगा नाम, तो भग के जाके फॉलो कर लो। रील्स वील्स तो अपन पोस्ट करते ही रहते हैं। तो बस यार आज का ये छोटा सा व्लॉग बनाना था, कम बैक करना था। तो भैया अब इस टाइम हम डालेंगे चीता इज़ बैक फाइनली, क्योंकि यार कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया, कुछ जिम्मेदारी थी वो निपटा ली, नई बाइक की प्लानिंग कर ली, हर चीज़ हो गया है। अब इसका BTS वीडियो अगर आपको देखना हो तो नीचे कमेंट करके बताना। बाकी भैया और लंबा नहीं खींचना इस ब्लॉग को, करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नई बाइक के साथ। ठीक है, तो समझ तो गए हो ना आप, तो एक्साइटमेंट देख रहे हो ना। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ, साइनिंग ऑफ अमन, बाय 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 बाय। भैया देखते सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाय।